मुझे ये वीडियो इसके ऊपर है कि हम हॉर्नबिल फेस्टिवल कैसे पहुँचे। तो आप लोग पहले जहाँ भी रहते हैं, पहले तो आपको कोलकाता पहुँचना है। कोलकाता से आप डायरेक्ट ले सकते हैं फ्लाइट टू दिमापुर और आप गुवाहाटी जा सकते हैं। नागालैंड रो कोहिमा के जदि जन आसपार लगी चाहबा और हॉर्नबिल फेस्टिवल देखबार लगी चाहबा से ताहले दिमापुर होचे तार नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आउ एयरपोर्ट। जने गुवाहाटी तक किंबा कोलकाता तक बाय एयर बाय ट्रेन आसपार आर सेनु फेर गुवाहाटी दिमापुर एंतागिरी आसिकिरी सेने पहुँचिबा। दिमापुर रो किंतु टैक्सी करिकिरी किंबा बस रे कोहिमा तक जिबे, तारपर सेनु 13 किलोमीटर हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक बात, जो कलकत्ता का एयरपोर्ट एंड गुवाहाटी का एयरपोर्ट, गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन, दिमापुर का रेलवे स्टेशन, सारे एक जैसे ही लगते हैं। मतलब इतना सजावट, इतना सुंदर, लिटरली अनबिलीवेबल इतना सुंदर है। एक बार तो ज़रूर देखना बनता है। मतलब इतना सुंदर, इतना क्लीन, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतना सुंदर है। एक बार तो ज़रूर देख लेना, पूरा एक्सप्लोर कर लेना एयरपोर्ट वगैरह, क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है। गोटे जिनिसटा मते बहुत भल लगला जे रेलवे स्टेशन माने भी एयरपोर्ट बगैर डेकोरेटिव होउछि, सुविधा भी साफ सुथर भी सेटा आहुरी बढ़ुचे। माने से एरिया रो कल्चर ट्रेडिशन सेटा के डिस्प्ले करा होउछि सेठाने, जनता एयरपोर्ट मानक डिस्प्ले करे। इटा जनता गुवाहाटी एयरपोर्ट रे भी डिस्प्ले अच्छे आरो रेलवे स्टेशन रे भी डिस्प्ले हेछि। इथि लगे गवर्नमेंट के धन्यवाद निश्चित देवार कथा, आगर अपेक्षा बहुत साफ सुथर रहउछि, किंतु लोक मानकर सहयोग टिके दरकार। सेमानकर भी गोटे कन्सियसनेस आसले जाइकिरी माने आहुरी साफ सुथर रही पार्बा। इटा आसाम रो मुखा, इटा जे मुखा कल्चरटे अच्छे, एत सुंदर कल्चरटे अच्छे। जने रेल स्टेशन के पहुँचुन सर देखवा आरो तार बाबद रे निश्चय अतका जानो। अगर आप लोग पहले गुवाहाटी जा रहे हैं तो उसके बाद ट्रेन से आप लोग दिमापुर आराम से जा सकते हैं। अगर आप लोग दिमापुर पहुंच गए हैं, मतलब कि नागालैंड ऑलमोस्ट आ चुके हैं आप, उसके बाद आप लोग आराम से टैक्सी लेकर जा सकते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड। उसके बाद आप लोग तो हॉर्नबिल फेस्टिवल में ऑलमोस्ट देयर। दिमापुर कोहिमा जन को 350 टका 10 जनिया टैक्सी, और जनकर ये जीवे बोले 1,500 टका देकरी टैक्सी हायर करके जीवे। बस भी अच्छे 100 टका लेखा। चमत्कार सूर्योदय, सूर्यर किरण जत देह पड़ुचे आर उषुम लग जाऊँ आर खुश लग जाऊँ। दिमापुर टाउन सरीगला पूरा हिल स्टार्ट, सुंदर पहाड़ के चिरीगिरी जेन्दा रास्ता मैंने जार दुई तर जेन मनोरम दृश्य से पेट भरी जाऊँ, पेट भरी जाऊँ। पहाड़ उपरे गोटे चर्च आर साप लहरी बागिर रास्ता आगे सब मेली जाइए, गाड़ी मैंने सहसा चली छोर मन भितर उष्णाक भरी जाऊँ, पूरा भरी जाऊँ एकदम उष्णाक। सूर्यर किरण रे जेन्ता सुनार रंग रची जाइए सेन्ता आमर मन भीतर भी सुनार रंगे रची जाऊँ। दिमापुर रु पूरा अधा रास्ता 37 किलोमीटर आसला परे बढ़िया चा टिके चलो पूरा पीला परे रिलैक्स हो कर उसम लगी गला। ये लोग भी जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने। और एक ज़रूरी बात, अगर आप हॉर्नबिल फेस्टिवल में जा रहे हैं ज़रूर से स्वेटर मफलर आपका ले लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है। जब आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तभी आपको ये सब फ्रूट्स मिलेगा, ये बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर से ट्राई कीजिए। बैम्बू शूट है वो, बैम्बू शूट। अच्छा बैम्बू शूट। कोहिमा में ठहर सकते हैं या सबसे अच्छा होगा आप हेरिटेज विलेज में कोई होम स्टे में ठहर जाए।
आप लोग, और एक अदर चॉइस भी है, आप लोग आराम से टेंट में भी रह सकते हैं। तो पहाड़ ऊपर का हॉर्नबिल फेस्टिवल अड़के जाऊ जे तो पहाड़ ऊपर पूरा हो जे कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड कोहिमा से 13 किलोमीटर दूर है हॉर्नबिल फेस्टिवल द हेरिटेज विलेज किस्मा। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना वो बहुत ही कलरफुल है, इतने सारे बटरफ्लाइज चारों तरफ घूमते रहते हैं क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे फ्लावर्स वगैरह है ना आसपास, मतलब बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है ये, सो मच ब्राइट। इतकी डीप कलर ड्रेस मैंने पिंधुचन जेनटा कि एकदम पूरा आई कैचिंग हो बहुत सुंदर लगुच, बहुत सुंदर सब आड़े गोटे अलग। सुबह 10 बजे चालू होता है ट्रिप्स का कल्चरल परफॉर्मेंस, उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक चलता है म्यूजिक कॉन्सर्ट, आप दोनों आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब रही बात खाने पीने की, अगर ट्रिप पे गए हैं तो खाने पीने का सुविधा तो जरूर होना ही चाहिए। अगर आप वहाँ पर गए हैं तो एक चीज तो जरूर से ट्राई कीजिएगा जो है राइस बियर, ओडिशा में उसको हांडिया और कुसना बोलते हैं। और अगर आपको कुछ और खाना है जैसे कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पर हेरिटेज विलेज में बहुत सारे सुविधाएं मौजूद है, ज़रूर से उन्हें भी ट्राई कीजिएगा। वही जो लोग परफॉर्मेंस देते हैं उन्हीं का मुरुंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मेरी सलाह है कि आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पूछूरी, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जॉन। जॉन, गोटे बढ़िया जिनिस जेन खाबार लगे दिया होचे सेटा बाउंस रे तैयारी, जेन ग्लास रे पीबा के दिया होचे सेटा बाउंस रे तैयारी, जेन चामच सेटा भी बाउंस रे, सब बाउंस रे, घर भी बाउंस रे तैयारी होचे, बाकी सब बाउंस इने वाइडली यूज्ड। बाउंसर गजा के आचार करी करी तरकारी करी करी खाउचन हमर याडे जेन हेडवा कड्डी ये सब कोचा कितने का? 100 रुपीस। अच्छा, इसके साथ इसको खाते हैं? हाँ, इसका साथ खाते हैं। कैसे लगता है? बहुत अच्छा है। उड़पेड़ इटा झुंगा चाखना चावल और मौका के रोंदा है जी, पूरा सीजे ही दिया है जी, साबुदाना बागिर लगे जी, ठीक है, नून पड़ी थी और बढ़िया लगे थी, बढ़िया लगे जी।